वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों की तारीफ की थी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तारीफ की हो। आपको बता दें, ऐसा कई बार हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी से मुलाकात की हो, नरेंद्र मोदी ने धोनी से मुलाकात की हो। आपको बता दें, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बल्कि अमित शाह ने भी धोनी से मुलाकात की थी। दरअसल ये बात साल 2018 की है, जब अमित शाह ने दिल्ली में महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की थी। ना सिर्फ मुलाकात बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया था। इसके अलावा जब महेंद्र सिंह धोनी को साल 2018 में ही पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तब वहाँ पर भी पीएम मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की थी। ना सिर्फ धोनी बल्कि उनकी पत्नी साक्षी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और इसी दौरान उन दोनों को लेकर काफी मजाक भी बनाया गया। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी और पीएम नरेंद्र मोदी की काफी तुलना की गई कि किस तरीके से धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजनीति में कई दिग्गजों को पछाड़ा है। ऐसे कई सारे मीम्स वायरल हुए और इन दोनों के बारे में खूब मजाक भी बने। इसके अलावा ना सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तब भी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की थी। जब गुजरात के एक स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी ने एक मैच खेला था, उस वक्त प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। ना सिर्फ धोनी बल्कि सभी खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की। और अब महेंद्र सिंह धोनी ने जब संन्यास की घोषणा कर दी है, तो पीएम मोदी ने बीसीसीआई को इस बात के लिए पत्र लिखा है कि वो धोनी को सम्मानित करते हुए एक मैच का आयोजन करें और दर्शकों से भरा होना चाहिए पूरा स्टेडियम, और इस तरीके से सम्मानित तरीके से उनके संन्यास की घोषणा की जाए। और इन सब बातों के साथ ही उन्होंने धोनी के करियर की काफी तारीफ भी की। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनके इस पत्र का जवाब देते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया कि आपके इस तरीके के सम्मान के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।